जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया। तो ये हमने बनाया है जो हमारी इंडस्ट्रीज और लोकल एरिया से जो भी वेस्ट निकलता है उसको हम लोग पहले ट्रीट करेंगे, उसके बाद उसको लोकल एरिया और रिवर्स में सप्लाई करेंगे, जो कि आजकल ऐसा नहीं किया जाता है। नाले का पानी को डायरेक्ट रिवर्स में छोड़ दिया जाता है। तो लोकल एरिया से जो भी वेस्ट निकलता है वो पहले पॉन्ड में कलेक्ट होता है, और कलेक्शन होने के बाद ये इसका फर्स्ट प्रोसेस है, पहले जाता है रिसीविंग टैंक। रिसीविंग टैंक में जाने के बाद ये जाता है स्क्रीनिंग एंड ग्रिड चैम्बर में। स्क्रीनिंग एंड ग्रिड चैम्बर में जैसा कि आप देख सकते हैं प्लास्टिक ये सब अलग हो जाता है, और बड़े बड़े कण भी अलग हो जाते हैं। और फिर ये आता है स्कीमिंग टैंक में। स्कीमिंग टैंक में जो है ऑयल ग्रीस का डेंसिटी वाटर से बिल्कुल अलग है, जिसकी वजह से ऑयल और ग्रीस पानी से सेपरेट हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। इसमें क्या होता है, जो कण यहाँ पे नहीं अलग हो पाए वो यहाँ आते हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे कण। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक कंटेनर में पानी कितना गंदा है, हर एक कंटेनर, और ये पानी फ्लो में है हर कंटेनर में। फिर हम लोग आते हैं एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में आप देख सकते हैं जो फैन यहाँ पे लगा हुआ है, जिसके वजह से पानी में बुलबुले उत्पन्न होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं जी सकते वो इसमें मर जाते हैं, और जो जीते हैं ऑक्सीजन के बिना भी वो लोग वो इसमें आते हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। इसमें जो है बैक्टीरिया ये सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आप देख सकते हैं ये पानी कितना पीला है। फिर हम लोग आते हैं फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन टैंक। इसमें कोयले की मदद से पानी प्योर हो जाता है, आप देख सकते हैं ये पानी कितना पीला है और यहाँ का पानी कितना साफ है पीने योग्य, और ये पानी फ्लो में है। और फिर हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टैंक। डिस्ट्रीब्यूशन टैंक में जो है ये पानी पीने लायक होके इसे चेक किया जाता है लैब में। ये लैब है, इसमें पानी का पीएच लेवल हमेशा चेक होता है, और ये अगर पीने के योग्य हो तो इसे सिटी में सप्लाई किया जाता है। इन सब कार्यों को मेंटेन करने के लिए हमने कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें हमेशा इसका देखरेख होते रहता है। और ये जो पीने योग्य पानी है शहर से वापस आने के बाद ये वापस पॉन्ड में कलेक्ट होता है, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलते रहता है ये प्रोसेस ऐसे ही चलते रहता है।